पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सॉरी, देखो मुझे पल्लवी की बात से प्रॉब्लम नहीं है, उसका तरीका गलत था। तुमने उसके लिए ताली बजाई, बस उसके आगे मत बढ़ना। लेकिन बेटा, हमारे घर का एक तरीका है। मैं बाहर काम करती हूँ और तुम्हारी चाची ने कभी कंप्लेन नहीं की, कर सकती थी, पर सारा किचन, सबका खाना पीना वो अकेले संभालती है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में डिसीजंस सबकी भलाई के लिए लिए जाते हैं, सबको जोड़ के रखने के लिए लिए जाते हैं। हाँ मॉम, मुझे पता है ये, लेकिन ये सब अचानक क्यों? तुम भी तो अचानक फैमिली लंच का प्लान छोड़ के चले गए थे। आप लोग वहां पे मेरे रिश्ते की बात नहीं करने वाले थे, रवि भैया ने सब बता दिया था। मॉम देखो, आप लोगों को मेरा रिश्ता करवाना है किसी से तो प्लीज करवाओ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मॉम ऐसे ऐसे छुप के नहीं, आप ही तो कहते हो ना कि घर में सब बातें सभी को पता होनी चाहिए, चाहे जैसी भी हो, किसी से कुछ छुपा नहीं होना चाहिए। और डोंट वरी, पल्लवी और मेरे बीच कुछ नहीं है, वी आर जस्ट वर्क कोलीग्स, नथिंग मोर। थैंक गॉड। जस्ट लाइक दैट, मां हूं, थोड़ा डर तो लगेगा ना। बेटा अकेलापन क्या होता है ये मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। अनाथ था मैं, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई साथी संग, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी लाइफ में। जैसे घास होती है या झाड़ियां, खुद ही उग जाती है, अपने आप पानी खींच लेती है, वैसे ही मैं था। झाड़ी और बगीचे में क्या फर्क होता है ये मुझे तब पता चला जब तुम्हारी मां मेरी जिंदगी में आई थी। तब मुझे पता चला किसी का साथ लाइफ में होना कितना जरूरी होता है। एक साथ ही एक परिवार को, अपनी जिंदगी को बढ़ाते हुए देखा है मैंने। खुद जड़ों से पानी निकालना और माली का पौधों में पानी डालना और सींचना, कि अंतर समझ में आया मुझे। बहुत लंबा साथ नहीं था हमारा, पर जितना भी था ना, काफी था। पापा, मैंने हर्ट किया ना आपको? नहीं बेटा, मुझे जो प्यार, जो मोहब्बत जिंदगी में मिली है ना, सिर्फ तुम्हारी मां से मिली है। वैसे ही प्यार मैं तुम लोगों की जिंदगी में देखना चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है। इसलिए शादी की बात मैं बार बार करता हूं तुमसे। कभी कभी रात में थक कर जब बिस्तर पर बैठता हूं ना मैं, तो तेरी मां की बहुत याद आती है मुझे। जब भी मैं घर आता था थक कर परेशान, वो सब कुछ संभाल लेती थी, अपने दोनों हाथों से लेकर मेरा सर सहलाती थी। ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना बेटा, ये सड़ जाए ना एक बार तो जिंदगी सड़ जाती है। एक बस एक साथी होना जरूरी होता है लाइफ में। बेटे, प्रेशर नहीं डाल रहा हूं तुम्हें शादी के लिए, बस मैं तुम्हें इंपॉर्टेंस बता रहा हूं एक साथी के होने की, जैसे मेरी एक साथी थी तुम्हारी मां। हाँ, इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो? मैं भी तो इसी घर का हिस्सा हूं ना, बचपन से इसी घर में पला बड़ा हूं ना। अब बिल्कुल मत टेंशन लो, जो भी मेरी लाइफ में आएगा ना, उसे मेरे साथ साथ इस फैमिली के लाइफ का हिस्सा बनना पड़ेगा। स्पेशली मेरी क्यूट मॉमी का। अब खाना खा लूं, बहुत जोर से भूख लगी है। पापा, सच बोलूं तो
मुझे शादी या इस रोमांस से कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनफैक्ट मुझे भी ऐसा फील होता है कभी कभी कि कोई होना चाहिए जो मुझे स्पेशल फील करवाए. पर वो जो भी होना, मुझे आपसे दूर करके एक अलग दुनिया ना बसाए. मेरी जो दुनिया है ना, जिसमें आप हो, वो उसी का हिस्सा बने. क्या बात है, मार्केट में कुछ नया ऑफर चल रहा है क्या? मतलब शादी भी करनी है, पापा को भी नहीं छोड़ना है. अभी तो टीवी और फ्रिज पर भी 1+1 का ऑफर है दीपू दी. वैसे पापा, दिस इज नॉट फेयर. हमें भी ये ऑफर दे देते, ये तो चीटिंग हुई ना. दीदी, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ना सवाल खड़े करने होते हैं, तब जाके मिलता है ऑफर, ऐसे नहीं. एक तो ये टॉपिक बदल देती है दीपू दी. एक मिनट, तुझे पता चल गया? हाँ, नॉट बैड तनु. पल्लू घर जवाही ढूंढ रही है ना. क्या आइडिया दिया है तनु दी आपने, शादी की बात टालने का. यही बात हो रही है ना? करेक्ट. आई एम सो इम्प्रेस तनु. वैसे पल्लू, क्या बात है, तू रिकॉर्ड पे ना रिकॉर्ड तोड़ रही है. घर जवाही ढूंढ रही है तू? पर इसके सोचने से क्या होगा, कौन मानेगा? मतलब मानते हैं पर नहीं मानते, लेकिन फिर वो मानते हैं. हाँ हाँ, हम समझ गए. अरे क्यों नहीं मानेंगे? अरे घुटने पे चोट लगी है, कैसी भेगी बातें कर रही है तू. हाँ, वेरी फन. एग्जैक्टली, तू ही चुटकुले मार रही है यहाँ पर. कौन मानेगा घर जमाई बनने के लिए? वरुण मानेगा? नहीं, कभी नहीं मानता. राकेश? पता नहीं पापा, पर मम्मी जी तो नहीं मानते. बे मतलब की शर्तें मत रख, बेवकूफ मत समझ हमें. अरे हजारों में कोई एक लड़का होगा, वो भी मजबूर, वो जो मानेगा. पापा, हजारों में एक है लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं ना. अगर आपको लगता है इम्पॉसिबल है तो ठीक है, मिल गया छुटकारा. मिल गया छुटकारा मतलब? अब मतलब पॉसिबल तो है ना कि हजारों में एक मिल जाए. और सोचो थी, अगर हजारों में एक मिला ना, वो कितना स्पेशल होगा. बेसिकली मैं रेडी हूँ शादी के लिए, हमें बस ऐसा लड़का ढूंढना. पल्लवी, बस अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो. मैंने क्या किया? कौन सी लिमिट क्रॉस की मैंने? आपको पता है ब्लॉक बी की जो नीतू है ना, रातों रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी है. मैंने किया ऐसा कुछ नहीं ना. बस मेरी बात तो... क्या पापा, वो कॉलेज वाली मलिका, वो भी अभी शादीशुदा बंदे के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया. मैंने किया ऐसा कुछ नहीं ना. बड़े आई लिमिट क्रॉस कर दी, एक छोटी सी कंडीशन ही तो रखी है. ठीक है, मंजूर है मुझे ये चैलेंज. तेरे लिए लड़का मैं ढूंढूंगा, वो भी तेरी शर्त वाला. मुझे ना नींद आ रही है पापा. आपने बोला ना घुटने में चोट है, आराम तो करना पड़ेगा. अरे ये क्या बात? एक हॉस्पिटल वाली सेल्फी लेते हैं, उसके बाद में सो जाओ. आओ ना. सेची. हाँ. पोस्ट कर देती हूँ पहले. कोई घर जमाई के लिए लड़का नहीं मिलने वाला है इन लोगों को. अब ढूंढते रहो. चार शर्ट हो गई, बाकी चार पर्दे बराबर बेइज्जती भी होगी. दीदी, अब किटी में जाऊंगी ना तो सब मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखेंगे जैसे मैं गधे पे सवार होके आई हूँ. कहीं का नहीं छोड़ा मुझे ये कलंक जो मेरे मत्थे पे लगा है. कुसुम, बैठ. देखो मैं मानती हूँ, आकाश ने जो किया वो सही नहीं, उसे लंच पे आना चाहिए था. मैं माफी मांगती हूँ दीदी. नहीं कुसुम, जो गलत हुआ वो हुआ है. और आकाश को तो तुम बचपन से ही जानती हो ना, फैसले पहले ले लेता है, सोचता समझता बाद में है. मैं उसकी माँ हूँ तो भी नहीं बता पाती वो क्या कर देगा. मगर दीदी, आपने क्या कहा था, आकाश के लिए बहू चुनने का अधिकार सिर्फ मेरा है, जैसा रवि की बहू चुनने का अधिकार आपका था. तो फिर अब क्या हुआ? तो मैं कहाँ मुकर रही हूँ. आकाश के लिए बहू तुम ही चुनना, ये अधिकार तुम्हारा ही है, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ. खुश? बहुत खुश. पता है दीदी मेरी हालत कैसी हो गई थी? जैसे 6:30 बजे वाले शो में अपराजिता की हुई थी, जब डायन ने उसके सर में अंडे दे दिए थे. अब देखना, अब ऐसी बहू चुनूंगी ना, सब देखते रह जाएंगे.
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।